भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने कहा कि रीट परीक्षा में हुई महाधांधली की जांच सीबीआई से करवाने की मांग के लिए हम 15 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जब तक प्रदेश की गहलोत सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि भाटी नागौर जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर है। इस दौरान बीएल भाटी ने स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को 15 फरवरी को जयपुर कूच करने का आह्वान किया गया। बैठक में सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर बीएल भाटी ने कहा कि रीट परीक्षा में धांधली के तार सरकार से जुड़े हैं। भाजपा सीबीआई से जांच की मांग को लेकर आंदोलनरत है ताकि 26 लाख युवाओं को न्याय मिल सके। सरकार खुद को बचाने के लिए सीबीआई जांच से बच रही है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले की भी निंदा की गई। हम जयपुर कूच कर रहे हैं और कुचामन से जिस तरह का आज आक्रोश कार्यकर्ता को देखने को मिला, ऐसे लगता है कि कुचामन जो है और ये नागौर जिले का जो नागौर देहात जिला है, ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में विधानसभा का घेराव करने पहुंचेगा। आज मुझे इनके जोश से ही एहसास हुआ है और निश्चित रूप से हमारी ये मांग राज्य सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम सीबीआई की मांग, जांच की मांग करते रहेंगे। विधानसभा का घेराव करते हुए फिर हम इस हमारे आंदोलन को नीचे तक बूथ स्तर ले जाने के हमारी प्लानिंग है। इस आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं, युवाओं के साथ और राजस्थान की जनता के साथ न्याय करवा के ही हम दम लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर जो हमला हुआ उसके लिए भी घेराव में कुछ कहा जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष जी का हमला जो है वो रीट की हमारी मांग से जुड़ा था, तो निश्चित रूप से हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और लोकतंत्र में इस तरह की जो व्यवहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, ये व्यवहार देखो जायज नहीं है। हमने इसके लिए भी हमने आपको ध्यान होगा कि 8 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर, सारे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हमारे सब मोर्चों की तरफ से और पार्टी की तरफ से ज्ञापन देके भी मांग की गई कि उन दोषियों को सजा मिले और हमारे जनप्रतिनिधि जो जन मुद्दे उठाते हैं उनकी सुरक्षा की भी गारंटी सरकार करेगी। ऐसे तो फिर जनता के मुद्दे कोई भी उठाएगा, सरकार जो है डरा डरा के उनको मुद्दे नहीं उठाने देगी, तो ये भी जायज़ बात नहीं है। इसलिए उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और ऐसे गुंडा तत्वों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये तो हमेशा किसी भी पार्टी के नेता के साथ हो, ये निंदनीय है। इसकी जरूरतें आज पूरे प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण बन गया है कि इस मामले में, यूनिट के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इसको इसके लिए विरोध करना जरूरी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो आज विधानसभा में भी पूरे जो विधायक है वो वहाँ पर आंदोलित है और इसके लिए सब आज भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता है सब मोर्चे वगैरह सब मिलकर इसका विरोध करें। टाइम 8 राजस्थान के लिए नागौर से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।